अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ हम जा रहे थे पार्क। अच्छा, ये इस पार्क में पहले भी मैं गई थी, लेकिन बच्चों को लेके, अब्दुल हादी बहुत छोटे से थे जब मैं अब्दुल हादी को लेके गई थी, तो आज मैं अब्दुल हादी को लेके जा रही हूँ। तो ये बहुत शौकीन है जानवरों का, तो डायनासोर का बहुत कहता था, तो यहाँ पर डायनासोर हैं बहुत अच्छे बड़े बड़े, तो बस वहाँ गए थे हम। यहाँ पे कोई टिकट वगैरह कुछ भी नहीं है, और खाने पीने की चीज़ें आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेके जाना चाहें तो। हम तो कुछ भी नहीं लेके गए थे। बहरहाल अंदर फूड कोर्ट भी है, आप वहाँ से लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टिकट नहीं है। और चेकिंग भी बहुत अच्छी थी, अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा। कोई भी चीज़ आप फेंकेंगे फ़ौरन से गार्ड आ जाएगा आपके पास, स्वीपर आ जाएगा वो चीज़ उठाने के लिए। तो बेहतर है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, जहाँ जाएँ गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर खाते हैं पीते हैं, वहीं फेंक देते हैं। तो खाना पीने के लिए मना दीजिए, आप खाएं पिएं, लेकिन जो है डस्टबिन रखे हुए हैं वहाँ पर, आप उसके अंदर फेंकें जो भी कचरा है खाना पीने के बाद, जो भी बचे या जो भी कचरा हो वो वहाँ फेंकें। बहरहाल हम अंदर आ गए थे, तो टिकट तो था नहीं, तो बहरहाल यहाँ पे भी अच्छी बात है कि टिकट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फैमिली अलाउ है और अकेले लड़के नहीं जा सकते। अंदर से कुछ ये यहाँ पर परिंदे वगैरह भी लगे हुए हैं, मोर हैं, बहुत सारी चीज़ें। मेन जो पार्ट है, हम जिस चीज़ के लिए गए थे वो सिर्फ अब्दुल हादी को हमने दिखाने थे डायनासोर। बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बना हुआ है, बहुत अच्छा सा, झूले हैं बहुत सारे। और बस हम वहाँ से उस एरिया को छोड़ के हम आगे बढ़ गए थे, इसको पता नहीं था कि आगे है क्या। हम अभी जा रहे थे और बहुत रश था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों वाले आते हैं। वाइट मोर था, ब्लू वाला था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये पार्क, लेकिन जाना ही नहीं होता क्योंकि ये रात को 8 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी बेटी, हम पहले जा चुके हैं, मेरा बेटा भी जा चुका है, लेकिन वो बहुत छोटा था, उसको कुछ याद नहीं है। तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इस डायनासोर पे, तो सोचा इसी की वीडियो बनाए। तो अब्दुल हादी जो है इसको देख के बहुत हैरान हो गया था कि ये क्या, क्योंकि जबकि है कराची में बहुत करीब, हमारे घर के बहुत करीब है, सदर में एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने लगता है, रेम्बो सेंटर के बिल्कुल सामने है ये पार्क, जहांगीर पार्क है। बहुत साफ़ सुथरा खूबसूरत पार्क बना हुआ है, आप अपनी फैमिली को लेके जाएं, बच्चों को लेके जाएं, बहुत बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। तो अब्दुल हादी बहुत हैरान था ये सब कुछ देख के, उसके साथ साथ हम भी हैरान थे। मैं तो खैर दो दफ़ा जा चुकी हूँ, लेकिन इतना करीब होते हुए भी हमारा जाना नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड देर से आते हैं। तो बस ये हम संडे वाले दिन गए थे। वीडियो में बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बीच में मुझे और वीडियोस थी वो अपलोड करनी थी, ये बहुत लेट हो गई थी मेरी वीडियो, तो उसके लिए माजरत। बस यहाँ पर हम लोग घूमे फिरे, थोड़ा सा एंजॉय करा। और अब्दुल हादी बिल्कुल भी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है अभी पहली दफ़ा ये सब देखा था, तो वो थोड़ा इनसे परेशान भी था और घबरा रहा था थोड़ा। मुझे लगा था कि वो बहुत खुश होगा इनको देख के, पर वो खुश नहीं था, घबरा रहा था। यहाँ हमें लगा कि वो पीछे से आ रहे हैं झूले झूले, तो वो यहाँ नहीं थे, हम फिर घड़े खमा खड़े रहे, फिर वापस आ गए। काफ़ी लोगों के बच्चे जो हैं ये देखें, ये कितना बस इशारे कर कर करता है, पापा ये देखें, पापा ये देखें, वो हैरान था बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर बच्चे वहाँ जितने भी थे वो हैरान थे। अगर आप लोग यहाँ जाना चाहें तो दिन में ही जाइए, शाम में जाएं, क्योंकि 8 बजे ये बंद हो जाता है। इतना शोर था वहाँ पर कि मुझे वॉइस ओवर करनी ही पड़ी, वरना मैंने सोचा था कि वॉइस ओवर नहीं करूँगी, जो वीडियो है इसी को अपलोड कर दूँगी, लेकिन वहाँ का शोर इतना था कि मुझे उस आवाज़ को कम करने के बाद वॉइस ओवर करना पड़ा आप लोगों की वजह से, ताकि मैं आपको बता सकूँ ये कहाँ पर है, कैसा है। कैसा है वो तो आपको नज़र ही आ रहा है, कहाँ पर है ये मैं बता चुकी हूँ। ये रेम्बो सेंटर सदर के बिल्कुल सामने है, जहांगीर पार्क। खाना चाहे तो आप ले जा सकते हैं, टिकट यहाँ कोई भी नहीं है। और बस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और बस
इतना ही मेरी वीडियो में, आने वाली वीडियो में और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ जो है मैं खाने की वीडियो भी शेयर करूँ, मतलब बाहर के खाने का रिव्यू दूँ, कहाँ पे क्या अच्छा मिल रहा है और हम कहाँ गए कहाँ नहीं गए। सोचूँ इसका भी करूँ, मतलब पार्क का तो मैंने कर लिया और जहाँ भी जाऊँगी इसके भी व्लॉग्स बनाऊँगी, लेकिन फूड का मैं सोच रही हूँ, ज़्यादातर मेरा ध्यान है फूड पर कि मैं जो है खाने की वीडियो अपलोड करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, खाने की जी के हम कहाँ खाना खाने गए, वहाँ पे कैसा जायका था, क्या रेट हैं क्या नहीं है। तो अगर ऐसा आप लोग चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। बस इसके बाद हम चले गए थे प्ले एरिया की तरफ, वहाँ पर बच्चों ने खेला खुदा इंजॉय करा, उसके बाद हम घर आ गए। तो बस मैं यहाँ पे अभी से अल्लाह हाफिज़ कर रही हूँ और अल्लाह हाफिज़।